आधा घंटा के अंदर ही सफलता प्राप्त हुई। जो तीन लोग पकड़ाए गए हैं इस मामले में। अब देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज और महासंतोष कुमार पार्थ। बता दें कि गोलीकांड मामले का हिलसा 2 डीएसपी गोपाल कृष्णा ने उद्भेदन किया है। पूरा मामला नालंदा जिला के ननौसा थाना क्षेत्र के दलदली चक गाँव से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि शनिवार की संध्या में रविशंकर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिसे हिलसाखंड मंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था और प्राथमिक उपचार करने के बाद चिंताजनक स्थिति को देखते हुए चिकित्सक के द्वारा पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। इस मामले में नरनौसा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां 12 घंटे के अंदर ही नरनौसा थाना के थाना अध्यक्ष पंकज कुमार पवन के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और मामले का खुलासा किया गया है, जिसमें तीन अभियुक्त जो कि दलदली चक गाँव के रहने वाले हैं उसे गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 28/9/2024 को संध्या करीब 6:15 बजे भूरा ग्राम, जो कि नगरनौसा थाना अंतर्गत है, यहाँ पर गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही जो पुलिस है नगरनौसा की, वो घटनास्थल पर पहुँची और पता चला कि रविशंकर कुमार जो है, जो कि 10 बीघा के रहने वाले हैं, उन पर तीन लोगों ने उन्हें गोलीबारी की है, उन पर तीन लोगों ने, और उन्हें जख्मी कर दिया गया। इसके बाद इन्हें लोकल अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से इन्हें पीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पीएमसीएच में जब वो रेफ़र हुए तो वहीं पे उनका फर्द बयान लिया गया और फर्द बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया। कांड संख्या 155/24 जो कि आपको नगरनौसा थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो वांछित अभियुक्त थे उनके यहाँ छापेमारी की और पुलिस को 12 घंटा के अंदर ही सफलता प्राप्त हुई। जो तीन लोग पकड़ाए गए हैं इस मामले में, उनका नाम है प्रियांशु कुमार, रवि कुमार और गोलू कुमार। साथ ही इनके पास से तीन मोबाइल भी बरामद हुई हैं, एक वीवो कंपनी का है, एक ओप्पो कंपनी का है और एक रेडमी कंपनी का है।